Lord of East and the Lord of the West. O Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. O Allah, Lord of East and the Lord of the West. अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पर बिरला आर्कोलॉजिकल कल्चरल रिसर्च सेंटर में, जो कि आज हम देखने वाले हैं मेरे अपने शहर के सीरीज में। आपको मैं स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप न्यू हैं तो डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड आज हम देखने वाले बहुत ही जो है साइंस वाले चीज़ा, फिजिक्स वाले चीज़ा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड कम विद मी। And the herbs and the trees do prostrate to him, and the heaven he raised it high, and he made the balance that you may not be inordinate in respect of measure, and the earth he has set it for living creatures. Oh Allah, Lord of East and the Lord. यहाँ पर है दोस्तों क्रोटोसोरस, जो कि डायनासोर का जो है फॉसिल, जो कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से हमारे फॉर्मर मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने जो है इसको निकाला था। वो यहाँ पर जो है फॉसिल को जमा करे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सारा डायनासोर। जी हाँ, इसका स्केलेटन देखिए आप, कितना ह्यूज और कितना बड़ा था वो टाइम का। वाह, इसका नेक्स्ट लेवल। Lord of the West, O Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, therein is fruit. So guys, यहाँ पर है मेरे दो बहुत ही करीब दोस्त, ये तो जानते हैं आप, अल्ताफ शेख माशाल्लाह, और ये है ब्रदर फ्रॉम यमन, इनका नाम है शेख माज बवाजिर। तो आप देख सकते हैं टुडे ही केम एंड जॉइंड अस साइकोलॉजिकल ईयर। ओके, तो मास भाई जरा बॉल डाल के बताइए क्या है ये। जी अच्छा, अल्ताफ भाई आप भी एक बॉल डालिए। यहाँ पर है एसी और डीसी करेंसी देखने का। आप देख सकते हैं ये जो है मैं जब यहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ पर फ्लक्चुएशन आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये हुआ एसी करेंसी और ये हुआ डायरेक्ट करेंट बॉल। So amazing. यहाँ पर है जो है तो आप आइए देखते भाई गोल गोल फिर रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर, अब एक मैजिक खत्म। यहाँ पर है गाइस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस के सुपर कंप्यूटर का जो है ना डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर है सर्वर्स, यू नो व्हाट सर्वर्स, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये सर्वर्स है। देखिए यहाँ पर सारे जो है बॉम्बी कंप्यूटर है और ये प्रिंटर्स वगैरह है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो आज के ज़माने में चल रहे हैं। और यहाँ पर एंड यू नो द बेसिक वर्जन ऑफ एचपी। मुझे
यहाँ पर है मेरे दो भाई माशाल्लाह, आज दोनों भी जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को ऑलवेज। वी आर जस्ट चेकिंग हियर ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ डायनासोर्स, यू कैन सी हियर। यहाँ पर है बहुत अलग अलग नेम्स यहाँ पे इसके, मेरे को तो एक का भी नाम याद नहीं है। सो यहाँ पर एक बारी पूछने की किसका कौन सा फेवरेट है डायनासोर। भाई सबसे पहले मेरा बताने से पहले मैं पूछना चाहूंगा माज भाई का कौन सा है भाई आपका फेवरेट? मेरा तो हायरोसॉरस है भाई। ओके, आपका अल्ता भाई? सिनोर्निस। सिनोर्निस मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट, पीछे भी दिख रहे हैं कोटासोरस। जी हाँ, अभी जो आपने फॉसिल देखा वो भी कोटासोरस, तो मेरा भी वही फेवरेट है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है नेम्स हैं, हम लोग को मालूम तक नहीं थे। खाली जुरासिक पार्क बचपन में देख लिए थे, वो नाम भूल गए थे, बट आई थिंक एक मूवी आई है, सब जने जाके चेकआउट करेंगे इंशाल्लाह। मैं भी जाने वाला हूँ थोड़े दिन में मूवी देखने वो, एंड फिल एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पर आया हूँ ये तो फॉसिल देखने। यहाँ पर है 200 मिलियन ईयर्स पुराना जो है फॉसिल, आप देख सकते हैं ये लेग है, डायनासोर का लेग है। अगेन यहाँ पर देख सकते हैं, इसको फिजिकली देख सक रहा हूँ हाथ लगा के, इट्स क्वाइट हार्डर एंड इट्स लाइक ए क्ले विच इज़ वेरी हार्ड। वाह, इसको देखो यार, यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, कितनी अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके यहाँ पर रखा गया है ऑडिटोरियम में, बिरला ऑडिटोरियम में। सो ये खैरताबाद पे है, आप भी आना चाहे तो आइए, ये फॉसिल्स देखिए। आई एम एंजॉइंग हियर विद माय ब्रदर्स। यहाँ पर है डायनासोर के एग्स, जिसको हम कहते हैं डायनो एग भी। तो ये देख सकते हैं आप जो है 70 मिलियन ईयर्स वो पुराना है। और यहाँ पर एक और अगेन फॉसिल है जो कि डायनासोर का है, आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर ये जो है 160 मिलियन ईयर्स पुराना है। इमेजिन ये जो सब लोग खड़ा हुआ हूँ 160 ईयर्स है भाई, कहाँ थे अपन लोग, ये टाइम पे कहाँ थे होंगे हम लोग, हम लोग थे भी नहीं इस दुनिया में। इमेजिन ये सब अल्लाह सुभान व तआला की क्रिएशन है गाइस, अगेन आई एम सेइंग यू, अल्लाह तआला को राजी करिए, बिकॉज आज वो लोग दुनिया में नहीं है, एक टाइम आएगा हम भी न रहेंगे। सो इबादत करिए अल्लाह तआला की, जो है हम लोग सुना बयान करिए। यहाँ पर है कुछ फिश के फॉसिल्स जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है फिश फॉसिल्स। الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو أيقنت أن إليك مرادي وموعدي. जी हाँ, अब बारी है जाके शो देखने की। आई होप कि आपको भी पसंद आएगा, 40 मिनट का शो है, तो स्टे ट्यून विद मी। आज हम देखने वाले हैं प्लैनेट्स और जो है स्टार्स को, चलिए मेरे साथ। Yes, buddy, I'm coming. पर हम लोग बैठे हुए, यहाँ है हमारे साथ भाई, और यहाँ पे ये भाई का बताइए व्लॉग में। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं शो देखने, 40 मिनट का शो है, आई डोंट नो कैसा होने वाला है, सो जॉइन विद मी। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु तू रहीम है, तू करीम है, तू गफूर है, तू शकूर है, तू रहीम है। ये है मेरा शहर हैदराबाद। रहीम है, तू करीम है, तू गफार है,
तो कहार है। अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर। जी हाँ, यहाँ पर देखिए हमारे हैदराबाद की जो है इतनी खूबसूरती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। माशाल्लाह शाम का वक्त हो रहा है यहाँ पर हैदराबाद में और कुछ 5:10 हो रहे हैं मेरी घड़ी में। और आप देख सकते हैं ये बिरला ऑडिटोरियम का ही जो है ये टावर है और यहाँ पे आज सन और जो है इसका क्लाइमेटिक जो है कंडीशन इतने बेहतर है, आप देख सकते हैं। वाओ, दिस इज द नेक्स्ट लेवल। माशाल्लाह है हज हाउस, वहाँ पर दिख रहा हूँ आपको हज हाउस कहीं पर। जी वहाँ पर हज हाउस है और वहाँ पर ये सारा जो है स्टेडियम वगैरह है, एलबी स्टेडियम। सो والاسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني ادنو الي ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي ايقنت ان اليك عشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرا يا مرحبا يا مرحبا يا भाई बैठ के चलेंगे, सुन रहा हूँ। शलाजी आती हूँ मैं वादी فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين الله ربي صلى الله عليه وسلم जी। यहाँ पर फ्लूइड पेंटिंग जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ, तो यहाँ पर जो है ये पेंटिंग जो है इसके रिफ्लेक्शन में दिख रही है हमको। और यहाँ पर स्ट्रेस पैटर्न एंड बोन स्ट्रेस, मेरे को भी नहीं मालूम कैसे से ही, तो आई थिंक ये कुछ जो है स्ट्रेस रिलीफ करने का इंस्ट्रूमेंट दिख रहा। सो गाइस, आज की थी ये कहानी यहाँ से आर्कोलॉजिकल बिरला ऑडिटोरियम से। सो आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। इफ यू लाइक ब्लॉग देन डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बिकॉज इट्स गिव मी अ गुड फीलिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज मी एमएसडब्ल्यू साइनिंग ऑफ हियर। अस्सलाम वालेकुम।